पिक्चर चालू करो बे। अच्छा किया क्या आप खुद उठकर चले गए, वरना मैं आपको भगाती। आप विधवा विलाप बंद करिए, मुझे अपनी बात। विधवा विलाप क्या होता है ये? बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए मोहतरमा, अगर सत्ता पक्ष के अगर चाटुकारिता करेंगे तो इस तरह के आपको सुनने को मिलेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी, अन्यथा आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल ये धर्मेंद्र मलिक इसलिए आपको बोल रहे हैं, इन्हें पता है कि आप चाटुकारिता कर रही हैं, पत्रकारिता तो रही नहीं है, अब चाटुकारिता कब तक करते रहोगे? अरे देश के बारे में सोचो, देश के हित के लिए सोचो। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने आपको चंदा दे दिया, किसी पार्टी ने आपको पैसा दे दिया तो उसी के पक्ष में गुणगान गाते रहो, ऐसे देश नहीं चलेगा। इस तरह से देश को आप बर्बाद करने के लिए तैयार हो, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी चाटुकार पत्रकार और गोदी मीडिया हो ना, आप ही लोग होंगे और कोई नहीं होगा। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इन लोगों को, जो धर्मेंद्र मलिक ने जो बोला है, रूबिका लियाकत को किस नजरिए से देखता है? हालांकि उनका जो बोलना था, जो शब्द उन्होंने बोला है वो गलत था, बोलने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, कुछ और भी बोल सकते थे, ये बोलना ठीक नहीं लगा। लेकिन ऐसे लोगों को किया भी जाए तो क्या किया जाए? बाकी वीडियो देखिए।